बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ मन भाए आली मोहे, प्राणनाथ मन भाए, प्राणनाथ मन भाए आली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए। प्राणनाथ मन भाए आली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। गुम्मट बंगला बन्यो है धनी जी को, हीरन तखत धराए। गुम्मट बंगला बन्यो है धनी जी को, हीरन तखत धराए। रतन जड़ित पद्मावती सोहे, देव सकल ललचाए। रतन जड़ित पद्मावती सोहे, देव सकल ललचाए। प्राणनाथ मन भाए आली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। विष की नदियाँ अमृत कीन्हीं, सुख सबन पहुँचाए। विष की नदियाँ अमृत कीन्हीं, सुख सबन पहुँचाए। भजन कीर्तन होत रात दिन, सुनत मोक्ष फल पाए। भजन कीर्तन होत रात दिन, सुनत मोक्ष फल पाए। प्राणनाथ मन भाए आली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। श्री ठकुराणी जी साथ सकल मिली, जाग निरास खेलाए। श्री ठकुराणी जी साथ सकल मिली, जाग निरास खेलाए। श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन, अमर सखी चमर ढोलाए। श्री सुंदर श्री महामती जीवन, अमर सखी चमर ढोलाए। प्राणनाथ मन भाए आली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। प्राणनाथ मन भाए आली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। प्राणनाथ मन भाए। बोलो
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।
Thank you.
एकदम राम्रो छ। कहाँ हुनुहुन्छ? भोलि आएको छ, आज 12-13 दिन भयो, भोलि जाने पनि। अस्ति तपाईँ पिताम्बरपीठ पुग्नु अस्ति पुगिनँ अस्ति पुग्नु भयो होइन, खालि महाराजी मात्रै जानुभयो होइन, अरू कहाँ अगाडिको उसमा चाहिँ तपाईँ जानुभयो त, यसमा तपाईँ जानु पाउनु भोलि हाम्रो भोलि आऊ ठिक छ ल, तपाईँ ठिकै छ एकदम राम्रो। राम जी कैसे हैं? कमर में दर्द है आपके भी? Thank you.
84 के होंगे। 84 के होंगे। आर्टिकल भेजेंगे लेकिन पता नहीं क्या बात है, हमें पूछा नहीं पता लगाया, हमारी 4-5 महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा बंद है। जब भंडार में एक बार मिली थी तो भंडार में हमें काम कहते हैं तो अपनी है सर वहाँ पे। अर्थ प्यारे की जय श्री 5 पद्मावती प्री धाम में साक्षात राज्य महाराज की हयाती में संसद भवन बंगला जी दरबार के समक्ष राज्य महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा सुंदर साथ वैसे ही जीवंत रहे जैसे आपकी हयाती में तो था ही और आप साक्षात बैठे हुए हो यहाँ पद्मावती प्री धाम में। तो वो जो बंगला जी में सुंदर साथ बैठा था वही पूरा हमारा प्रणामी आलम का सुंदर साथ है, वो पूर्णतः यहाँ पर जीवंत रहे और वह जो स्वस्वरूप है अंगना का भाव है वो सभी के अंदर आए। श्री पद्मावतीपुरी धाम में हमारे मोहन जी आए और राजेंद्र शास्त्री जी आए, प्रकाश जी आए, बड़ा आनंद हुआ और यहाँ की महिमा तो कोई कहने वाली बात नहीं है, ये तो सर्वोपरि है और पूर्णतः मालूम है सभी को कि पद्मावती के अंतर दे बिंद प्रसुभराज थे इंदिरा राम साहब देवी भविष्य कलयुगी वो साक्षात यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर के वो जो झंडा हाथ में लिए थे परचम लिए थे प्रचार का जागनी प्रचार का यहाँ झंडा रोपा। इस प्रकार से श्री गुम्मट जी में साक्षात विराजमान है और संसद भवन में यहाँ पर सभी सुंदर साथ को वो संदेश देते हैं। यहाँ पे हमारा तो बाल्यावस्था से ही यही इसी रज में व्यतीत हुआ है लेकिन हम जब बंगला जी में बीतक कर रहे थे 79 का समय था उस समय हमें दिल्ली हकीकत नगर जब हम बीतक कर चुके बंगला जी में तो दिल्ली हकीकत नगर के लिए आह्वान किया गया तो 79 में हम 82 में फिर हम हकीकत नगर गए। तब से 4-5 बार हकीकत नगर गए लेकिन ये है कि आज से 44-45 साल हो गए तब से बीतक नागा नहीं हुई। पूरा ऑल ओवर इंडिया में राजीव महाराज ने हमने सेवा का अवसर दिया, सुंदर साथ की सेवा का अवसर दिया तो बीतक में तो सब कहीं जाते ही जाते हैं। बाकी ये है कि कभी वार्षिक कार्यक्रम है किसी मंदिर का कोई स्पेशल कोई कार्यक्रम है स्पेशल तो उसमें पद्मावतीपुरी धाम से सेवा करते हैं जाकर के प्रसन्नता करते हैं। और यहाँ पर अब उम्र का तकाजा हो गया है, वैसे सुंदर साहब को बड़ा प्रेम है, चाहते हैं मांग करते हैं लेकिन हमारा अभी 83 पूरा हुआ है, फरवरी में 84 चालू हो गया है तो इस वजह से उम्र की वजह से थोड़ा बहुत निकलते हैं। वैसे मोहन जी के साथ में कल नहीं पहुँच गए और भी कार्यक्रम में गए तो एक बार उन्होंने हमसे कहा था कि अब आपकी उम्र हो गई है बहुत कम निकल गए तो हम भी महसूस कर रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर पद्मावतीपुरी धाम का जो आनंद ले रहे हैं हम वो पूर्णतः आनंद बरसे हमारे सुंदर साथ पूर्णतः जाग देगो सुख जागनी ये सुख सुहागन जो तीन लीला चौथे घर की ये हमें चारों का भोग इस जागनी लीला का जो आनंद है वो ब्रजराज और जागनी का तो हम लेते ही लेते हैं। बाकी अखंड परम धाम का जो नूर वर्षा खिलवत खुलासा परिक्रमा सागर श्रृंगार में वह है आनंद में हम सराबोर रहें खूब राजीव महाराज के प्रति पूर्णतः अपने बाप को समर्पित रखें यही भाव सुंदर साथ भाव लेकर के हम रहें यही हमारी कामना है। राजीव महाराज से प्रार्थना है बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जीवन तो अपनाए सफल बनाए जा राज श्यामा गाए जा अरे
सके उस मंदी तेरा साथ ना निभाएंगे। सके और संबंधी तेरा साथ ना निभाएंगे, एक दिन तुझको अकेला छोड़ के ये जाएंगे। तू भी मन धीरे धीरे, तू भी मन धीरे धीरे, तू भी मन धीरे धीरे इनसे हटाए जा। राज श्यामा, राज श्यामा गाए जा, राज श्यामा, राज श्यामा गाए जा, राज श्यामा, 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 राज श्यामा गाए जा, राज श्यामा, राज श्यामा गाए जा। श्वास श्वास नाम रट सर्व शक्तिमान का, श्वास श्वास नाम रट सर्व शक्तिमान का। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरुजी मंगलदास महाराज की जय। सभी हमारे सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हम लोग श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना दर्शनार्थ आए हुए हैं और यहाँ साक्षात श्री प्राणनाथ जी, श्री बाईजीराज महारानी और सदगुरु जी का मंदिर यहाँ विद्यमान है। तो यहाँ पर उनके होने का, उनके उपस्थित होने का, उनके स्वरूप के दर्शन करने का सुंदर और सुखद अवसर मिल जाता है। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूँ प्रणाम। साक्षात श्री राज श्यामा ही इस जागनी के ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी और तेज कुंवरी के रूप में पधारे। तो यहाँ आकर के प्राणनाथ जी ने 11 वर्ष की लीला उन्होंने की। श्री घूमट जी मंदिर और श्री बंगला जी मंदिर में विद्यमान होकर के उन्होंने, विराजमान होकर के उन्होंने वाणी के खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी मार्फत खुलासा से लेकर के इन सब वाणी का उन्होंने प्रणयन किया, उपदेश दिया, ज्ञान और परम धाम की भक्ति उन्होंने बताई। तो ऐसे पावन भूमि, तीर्थ भूमि, पवित्र भूमि और अत्यंत परम धाम का ध्यान कराने वाली भूमि, ऐसी भूमि में हम लोग जब जब भी उपस्थित होते हैं तो राज्य के निकट होने का, श्री जी के निकट होने का हमें अनुभव होता है। यहाँ की पूजा, यहाँ की आरती, क्योंकि अष्टप्रहर की पूजा यहीं से प्रारंभ हुई और बीतक में जो अष्टप्रहर की पूजा के प्रकरण आते हैं तो साक्षात धाम धनी श्री राज जी और श्यामा महारानी परम धाम में किस प्रकार से लीलाएं करते हैं और वही लीला प्राणनाथ जी ने महारानी बाईजीराज के साथ पद्मावतीपुरी धाम में कैसे दिखाई, परम धाम की लीला को कैसे उन्होंने यहाँ उतार करके सुंदर साथ को परम धाम का ही आनंद दिया। तो ऐसे इस पावन भूमि में जब भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, ऐसे तो शरद पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग प्रतिवर्ष आते ही हैं। गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी महाराज भी प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर पधारते थे, तो उनके साथ भी मुझे कई बार आने का सौभाग्य मिला। फिर गुरु महाराज
आए हुए सुंदर सात को यहाँ पर कुछ जलपान इत्यादि भी कराते थे, तो उसी परंपरा को हम लोग कायम रखे हुए हैं। गुरुजी प्रणामी मिशन ट्रस्ट की ओर से मंगल धाम में प्रतिवर्ष हम लोग आए हुए सुंदर सात को जलपान कराते हैं, तो वो सेवा जारी हम लोगों ने रखा है। श्रद्धालु सुंदर सात उसमें भी सहभागी बन जाते हैं, पर बीच बीच में भी कभी जब हम लोग इस साइड में आते हैं तो पद्मावतीपुरी धाम के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिल जाता है। साक्षात धाम धनी साक्षात प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में बैठने का, उनके चरणों की आराधना करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस बार भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम चारों मंदिर दर्शन करने के लिए गए और वहाँ की आरती में हम लोग सब मिलित रहे। और कंचन थाल चौमुख दीवला जो बीतक में आरती होती है, उसी प्रकार की आरती की शोभा आज भी यहाँ पर दिखलाई देती है। ये सब आनंद हम लोगों ने लिया और यहाँ के प्रसाद चरणामृत इत्यादि लेकर के अपने जीवन को पावन बनाया। महाप्रसाद को ले पाए के चरणामृत को ले, चला जाए परम धाम को जग को मुक्ति दे, ऐसे यहाँ के महाप्रसाद और चरणामृत की बड़ी भारी महिमा है। उसको पान करने से मुक्ति मिल जाती है, परम धाम की प्राप्ति होती है। तो ऐसे परम धाम प्राप्ति कराने वाले परम धाम का ही द्वार श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम, तीनों पुरी हमारे परम धाम के द्वार हैं। तो ऐसे पद्मावतीपुरी धाम जो जागनी लीला के मूल मिलावा के रूप में भी इसको जाना जाता है, ऐसे पावन पुरी में जितने पल जितने क्षण जितने अवसर हम लोग रहते हैं, सारा अवसर सारा समय हमारा पुण्यमय धर्ममय ज्ञानमय भक्तिमय भावमय बन जाता है। तो आज और अधिक चर्चा और अधिक प्रवचन से मैं समझता हूँ कि आरती का दृश्य हम लोग देखेंगे और आरती में सम्मिलित होने का आनंद लेंगे तो हमारे लिए और मूल्यवान अवसर बन सकता है। तो सभी सुंदर साथ को बार बार प्रणाम करते हुए आप सब भी यहाँ के दृश्य को दर्शन करें और यहीं पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में होने का आने का आप लोग घर बैठे आनंद प्राप्त करें। सभी को कोटि कोटि प्रणाम।